हेलो दोस्तों, अगर आपके पास में भी राशन कार्ड है और आप परेशान हो राशन कार्ड की ईकेवाईसी को लेकर के, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अब आपकी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर राशन कार्ड की ईकेवाईसी का जो टाइम था वो 30 जून था। 30 जून तक के हमें अपने राशन कार्ड की ईकेवाईसी करानी थी, और अगर हम नहीं ऐसा करते हैं, नहीं केवाईसी कराते हैं, तो हमारा राशन कार्ड बंद हो जाता। लेकिन अब ये टेंशन ख़त्म हो चुकी है। अब इस टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है। अब इस टाइमिंग को 30 सितंबर कर दिया गया है, जो कि इसमें टाइमिंग बढ़ चुकी है। अब आपको परेशान नहीं होना है, कोई भी दिक्कत आपके लिए अब नहीं है। इसमें 30 सितंबर का टाइम बढ़ चुका है। तो पहली चीज़ तो ये है कि 30 सितंबर तक अब आप उसके बीच में कभी भी केवाईसी करा सकते हो। अच्छा, दूसरी बात कि केवाईसी करानी कैसे है, किस तरीके से केवाईसी होगी, फ्री में बिल्कुल किस तरीके से बिना झंझट के केवाईसी को अगर आप कराना चाहते हो, तो इस वीडियो में आपको बने रहना है। इस वीडियो के अंदर जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उसको फॉलो करना होगा, उसके बाद में आपकी केवाईसी हो जाएगी। और केवाईसी करानी कैसे होती है, किस तरीके से करनी होती है, सारा मामला मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस इस वीडियो को देख लो, उसके बाद में आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद एसएस यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लो, ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि केवाईसी कराने हमें कहां पर जाना पड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं कि केवाईसी जब हम कराएंगे क्या उसका पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ये सारी चीजें सारे डाउट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिसके नाम से राशन कार्ड है क्या सिर्फ उसी पर्सन को केवाईसी करानी होती है, या फैमिली मेंबर में जितने भी उस राशन कार्ड के अंदर ऐड है नाम, उन सभी को अपनी केवाईसी को कराना होगा। तो ये सारे डाउट्स चलते रहते हैं हमारे मन में, तो सबके सब क्लियर हो जाएंगे। सबके सब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कैसे करना है। अब आपको समझना होगा कि ये केवाईसी आपको 30 सितंबर से पहले किस तरीके से करानी है। सबसे पहली बात, केवाईसी कराने आपको अपने राशन कार्ड डीलर के पास ही जाना चाहिए, उसी के पास में आपकी अच्छी तरह से सही तरह से केवाईसी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, राशन कार्ड डीलर के पास जाओगे, जहां से आपको राशन मिलता है वहां पर जाओगे, तो वहां पर जाने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री में आपकी केवाईसी हो जाएगी। दूसरी बात कंप्लीट हो गई। अब तीसरी बात, जितने फैमिली मेंबर ऐड हैं राशन कार्ड के अंदर, क्या उनको सबको करानी पड़ेगी या सिर्फ उसी पर्सन को करानी पड़ेगी जिसका नाम राशन कार्ड के अंदर है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी राशन कार्ड के अंदर आपके नाम, आपकी यूनिट्स जुड़ी होती हैं, जितने भी मेंबर होते हैं, उन सभी को करानी पड़ेगी। राशन डीलर के पास में जब आप जाओगे तो सबके आधार लेकर के जाना, जो आधार कार्ड होते हैं, और सभी को वहां जाना होगा। और उनके पास में एक मशीन होती है, उसमें आपका फिंगर लेंगे, अंगूठा लगवाएंगे, और आपकी केवाईसी बिल्कुल फ्री में हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये केवाईसी जो है आपको करानी कैसे है, और इसमें आपको बिना झंझट के कैसे करानी है। देखो, जब आप राशन लेने जाते हो तो आप अपने राशन कार्ड डीलर के पास में जाते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास जाना है, और कहीं नहीं जाना है, और किसी की नहीं माननी है। अपना राशन कार्ड लेके और सभी के आधार कार्ड लेके और उन सभी मेंबर को अपने राशन डीलर के पास में चले जाना है लेकर के, और वो वहां पर आपकी ई केवाईसी कर देंगे, जो कि राशन कार्ड की है। और ये काम जो आपको करना है वो 30 सितंबर से पहले पहले करना है, क्योंकि इसमें अपडेट बढ़ा दी है। राशन कार्ड से रिलेटेड अगर आपका और भी कोई सवाल है, या इसमें आप कुछ और पूछना चाहते हो, आप किसी और बात को लेकर के कंफ्यूज हो, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर के भी मुझसे बात करके अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर भी जवाब देता हूं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।